हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाठशाला बाय कुमार। आज जो टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं वो है एएफएमसी एग्जाम से रिलेटेड। एएफएमसी एग्जाम को लेकर के कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे और वो पूछना चाह रहे थे कि वो एएफएमसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, या वो इस मार्क्स पर एएफएमसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं या नहीं। तो इन्हीं सब डाउट्स को लेकर के मैंने सोचा कि चलो एक पूरा वीडियो मैं कवर कर देता हूं, जिसमें सारा मेरिट लिस्ट से लेकर के और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है एएफएमसी का, बोर्ड का, उसको लेकर के मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं। तो सबसे पहले तो यह जानते हैं कि एएफएमसी जो है वो 4.5 ईयर्स का कोर्स है, एज यूजुअल जैसे सारे एमबीबीएस कोर्स हैं। एक साल का आपको इसके अंदर में इंटर्नशिप करना पड़ता है एज ए कमीशन ऑफिसर। उसके बाद आपको इसके अंदर में एक एग्रीमेंट भी साइन करनी पड़ती है कि एएफएमसी कॉलेज से पास होने के बाद आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स या अपना क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते। आपको हमेशा जहां भी एएफएमसी के हॉस्पिटल्स होते हैं या एएफएमसी बोर्ड आपको रिक्रूट करती है, वैसे जगह पर आपको जाना पड़ता है। अब जानते हैं कि एएफएमसी में अप्लाई कैसे करना है। अब क्या होता है कि नीट का रजिस्ट्रेशन करने के बाद एएफएमसी के भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं और वहां उस पर भी जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने सिर्फ नीट का रजिस्ट्रेशन करा लिया और एएफएमसी के साइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, तो आप एएफएमसी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जो एएफएमसी के एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं वो मई फर्स्ट वीक में आते हैं और मई के लास्ट वीक तक उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि उसकी कब एप्लीकेशन फॉर्म आती है और कब एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट होता है, तो उस हिसाब से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म उस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार आपने एएफएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद नीट का एग्जाम का रिजल्ट आता है। नीट के एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आप 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जब 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि उसमें चार तरह के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैं, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, एएफएमसी और ईआईसीएस कोटा यानी इंश्योर्ड पर्सन कोटा। तो जो बच्चे एएफएमसी में, जिन्होंने पहले एएफएमसी के एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वही बच्चे अब यहां पर एएफएमसी के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एएफएमसी क्या करती है कि मेरिट लिस्ट जो है वो शॉर्टलिस्ट करती है। अब कुछ बात यहां पे समझ लीजिए, मेरिट लिस्ट शॉर्टलिस्ट करने का उनका तरीका क्या होता है। सबसे पहले जो एएफएमसी है, जो कॉलेज है, वो पुणे में है और इसके अंदर में 135 सीट्स हैं टोटल। 135 सीट्स में 105 सीट्स जो होते हैं वो बॉयज के लिए रिजर्व होते हैं और जो 25 सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं और 5 सीट्स जो है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए है। तो गर्ल्स कोटे में कम सीट होने के कारण गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो बॉयज के कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा चला जाता है। जो बॉयज का कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेटली 570 प्लस या 575 प्लस जाता है और जो गर्ल्स का कट ऑफ है वो 600 प्लस जाता है। तो एफएमसी क्या करती है कि 1000 से लेकर के 1200 बच्चों का जनरली मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करती है। वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने का जो बॉटम लाइन आ जाता है, जैसे 570 से ऊपर लेकर के 1000 बच्चे जितने भी होंगे, उन सब की एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। अब मेरिट लिस्ट एफएमसी प्रिपेयर करने के बाद सेकेंड राउंड का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जो एफएमसी बोर्ड करती है। फर्स्ट राउंड तो नीट का आपने दिया, उसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन करा करके एफएमसी के अंदर में अपनी मेरिट लिस्ट बनवा ली। अब उस मेरिट लिस्ट में से सीट तो 130 है, तो 130 बच्चों को ही सिलेक्ट करना है 1000 बच्चों के बीच में। तो उसके लिए एएफएमसी खुद से अपना एक एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें चार एग्जाम उन्होंने डिफाइन किए हैं। जो फर्स्ट एग्जाम है, पेपर है उनका, वो है अप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप ट्वेलर भी कह सकते हो। इसके अंदर में कम्प्रिहेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज या लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स वगैरह चेक किया जाता है। जो सेकेंड है उनका, वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी आपकी ऑनलाइन प्रोसेस है, वो भी ऑनलाइन के थ्रू ही होता है। जो थर्ड है वो इंटरव्यू है और जो फोर्थ है वो आपका मेडिकल चेकअप है, आपकी पूरी हेल्थ चेक की जाएगी। तो ये चार एग्जाम कंडक्ट करने के बाद ही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। अब समझते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है। जो फर्स्ट ट्वेलर जो टेस्ट होता है उसमें क्या है कि 80 मार्क्स का टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चंस वहां पे होते हैं, ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स और 30 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसमें ईच रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 0.5 मार्क्स आपके माइनस कर लिए जाते हैं। तो 80 मार्क्स का टेस्ट आपका देने के बाद ट्वेलर का फर्स्ट प्रोसेस क्लियर हो जाता है। सेकेंड टेस्ट होता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपकी ब्रेन मैपिंग यानी ब्रेन टेस्ट करी जाती है, या आपके लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस को चेक किया जाता है कि आप कितना सही सोच पाते हो।
इसके लिए भी ऑनलाइन टेस्ट ही होता है। उसमें क्या होता है कि वो आपको क्वेश्चन पुट करते हैं और उधर से साउंड भी आती है और उसका आपको जवाब देना पड़ता है। तो उसमें ये चेक कर लिया जाता है कि आप लॉजिकली कितना करेक्ट हो और किस स्टाइल में आप जवाब दे रहे हो। जो थर्ड होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। एएफएमसी के बोर्ड होते हैं जो बैठते हैं और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ये जो इंटरव्यू होता है वो 50 मार्क्स का होता है और इस 50 मार्क्स में जितना मार्क्स आप लेकर के आते हो दैट इज एडेड इन टोटल मार्क्स। और जो फिफ्थ होता है वो हेल्थ चेकअप होता है। इन सारे प्रोसेस के बाद आपका हेल्थ चेकअप कराया जाएगा जिसमें ईएनटी के डॉक्टर्स होंगे, जिसमें आपके मेडिसिन के डॉक्टर्स होंगे, जिसमें सर्जन होंगे, ये सारे डॉक्टर्स होंगे, आपका चेक होगा, पूरा ब्लड ग्रुप आपका चेक किया जाएगा, एक्सरे करी जाएगी, अल्ट्रासाउंड करी जाएगी, मतलब आपका पूरा जो मेडिकल रूटीन जो है ना वो चेक किया जाएगा कि आप पूरे तरीके से फिट हैं कि नहीं। आप फिट होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब सब में आपके बहुत हाईएस्ट मार्क्स आ गए लेकिन अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हेल्थ चेकअप के बाद जो है एफएमसी का जो अपना कंडक्टिंग सेकेंड राउंड का जो कंडक्टिंग एग्जाम प्रोसेस है वो यहाँ आकर के क्लियर हो जाता है। 1000 बच्चे जिन्होंने भी शॉर्ट लिस्ट करी थी वो सारे इस प्रोसेस से गुजरते हैं। इसके बाद एफएमसी अपना मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करती है। अब मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर करती है उसको थोड़ा सा समझते हैं। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए जो एफएमसी ने टोटल मार्क्स बनाया हुआ है वो 250। अब 250 कैसे होता है अब मैं वो आपको समझाता हूं। जो नीट का एग्जाम था वो 720 मार्क्स का था। अब सपोज कोई कैंडिडेट है, एक्स कैंडिडेट ने जो नीट के एग्जाम में स्कोर किया दैट इज 580, ठीक है, तो उसने नीट के एग्जाम में 580 स्कोर किया। और जो एफएमसी बोर्ड है वो क्या करती है कि जो टोटल एग्जाम है नीट का 720 उसमें जो उन्होंने ट्वेलर का टेस्ट लिया था, जो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था 80 मार्क्स का, उसको एड कर देती है। जो टोटल मार्क्स हो गया 720 प्लस 80 इक्वल टू 800 मार्क्स। अब वो 800 मार्क्स को 4 से डिवाइड कर देती है। तो 800 मार्क्स को 4 से डिवाइड करने के बाद जो टोटल मार्क्स आते हैं दैट इज 200। अब 200 मार्क्स में जो 50 मार्क्स इंटरव्यू का था वो ऐड कर देती है। तो जो टोटल मार्क्स हो गए वो 250 मार्क्स हो गए। तो 250 मार्क्स में से ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। अब कैंडिडेट के मार्कशीट कैसे बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि एक कैंडिडेट है 580 मार्क्स नीट में लेकर के आया। अब उसने एप्टीट्यूड टेस्ट जो 80 मार्क्स का था सपोज उसने उसमें 40 स्कोर किया, तो 580 प्लस 40 ये कितना हो गया 620। अब 620 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 155। अब 155 मार्क्स आउट ऑफ 250, लेकिन आपने इंटरव्यू भी दिया है। अब जो इंटरव्यू में 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू था उसमें सपोज करो एक्स कैंडिडेट ने 30 मार्क्स स्कोर किए, तो अब 30 मार्क्स जो स्कोर होगा तो 155 प्लस 30 दैट इक्वल्स टू 185, यानी कि 250 में से 185 उसने स्कोर किया है। तो 1000 जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी अप्लाई किया था और जिनका मेरिट लिस्ट बना था उन सब की मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट इसी तरीके से डिसाइड होगी और टॉप 130 को सेलेक्ट किया जाएगा, उनको जो है एडमिशंस के लिए कॉल किया जाएगा। कुछ कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में भी रखा जाता है, अगर फर्स्ट राउंड में वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर पीछे से वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट कन्फर्म हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो एफएमसी का है और इसी तरीके से एफएमसी के अंदर में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स यह एफएमसी की जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अगर इसमें अभी भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं या उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक चीज मैं जो यहां बताना चाहूंगा कि अभी तक उन बच्चों को पता चल गया होगा कि अगर जिनके कट ऑफ मार्क्स 550, 504 या 500 से जिनके एवब हैं वही बच्चे जनरली इसमें ज्यादातर अप्लाई करते हैं। जिनका 300, 350 या 400 मार्क्स है उन बच्चों को अप्लाई करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। जो कट ऑफ लिस्ट तैयार होगी उसमें शायद आपका मेरिट में नाम नहीं आ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी एफएमसी ऑल ओवर इंडिया का टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस है, फीस भी बिल्कुल कम है। अच्छा, डिफेंस कोटा के लिए भी कुछ सीटें इसके अंदर में है। अब कितनी सीटें हैं यह मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो यह आपको अपने लेवल से पता करनी पड़ेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था, आगे एक नए वीडियो सीरीज के साथ मैं फिर से आपके पास वापस लौट करके आऊंगा। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।